अज दिल्ली विखे भारतीय बहुत संघ दे कौमी प्रधान राहुल पांते की प्रधानगी हेठ NDMC मीटिंग हॉल दे विच एक विशेष मीटिंग की गई, जिस विच डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दे सुपने अते महात्मा बुद्ध जी दे संदेश नू घर घर तक पहुँचा के पूरा करन दा प्रण किया गया। इस मौके पांते राहुल जी ने भारतीय बहुत संघ दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दे विच कुछ नियुक्तियां भी कीतियां, जिन्हां विच प्रहलाद भाई चौहान सीनियर मीत प्रधान नूं भारतीय बहुत संघ पंजाब दिल्ली दे नां नाल कई होर स्टेटां दी जिम्मेवारी सौंपी गई। इस मीटिंग विच भारत सरकार दे साबका मंत्री सत्या नारायण जटिया, मैंबर राज्यसभा लोक जन शक्ति पार्टी दे पंजाब प्रधान अते भारतीय बहुत संघ दे कौमी मीत प्रधान किरणजीत सिंह गैरी विशेष तौर ते पहुंचे। प्रहलाद भाई चौहान ज्ञानचंद गौतम ने पंजाब दे नां नाल दूजियां स्टेटां दे संगठन नूं मजबूत करन दी जिम्मेवारी लई। 20 नवंबर नूं बठिंडा विखे भगवान वाल्मीकि जयंती मनाउण दा प्रोग्राम उलीकिया गया। इस मौके साबका मंत्री सत्या नारायण जटिया, कौमी प्रधान भांते राहुल जी, किरणजीत सिंह गैरी ने की कहा, आओ सुनते हैं। हर प्रदेश में कहां कहां क्या कार्यक्रम होना चाहिए उसकी भी बातचीत यहां पर हुई है और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि कोरोना के समय में बैठक बुलाना बड़ा मुश्किल था, तब भी देश भर से लोग चल करके यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित रूप से फिर से एक बार नई चेतना और भारतीय बौद्ध महासंघ के माध्यम से देश भर में और पहुँचेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के विरुद्ध या प्रगति के रास्ते पर जो मुश्किल आए उनसे संघर्ष करो, उस रास्ते पर चलने का एक संकल्प हमने लिया। आने वाले समय में सब प्रदेशों में जाकर के वहाँ पर विश्व के अच्छे नए कामों की शुरुआत करना है, इसके लोगों से जाकर के सबका सहयोग लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसी काम को करने के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही है। निश्चित रूप से ये बैठक आगे आने वाले समय में भी कुछ समाज को एक साथ खड़ा करने का काम करेगी। व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा ये हमारा ध्येय है। हर व्यक्ति गरिमा मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, और जिसको प्रतिष्ठा ना मिले वो आज़ादी नहीं है। इसलिए आज़ादी को सार्थक करने का बाबा साहब का जो संदेश था। आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी जिसमें पूरे देश से लोग यहाँ उपस्थित हुए और एक निर्णय लिया गया कि भारतीय बहुत संघ को पूरे देश में और मजबूत किया जाए, जिससे पंजाब और पंजाब में कई कार्यक्रम में माननीय गहरी जी के नेतृत्व में लगी है। तो गहरी जी ने एक मजबूत हमारे नेता हैं और जो पंजाब को काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। दिल्ली के NDMC हाल के खड़े हैं जिते भारतीय बहुत संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल पांते जी की प्रधानगी एक मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग के बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के मिशन नू ते महात्मा बुद्ध जी के मिशन नू घर घर तक लैके जाने लई फैसला लिया गया, और 20 तरीक नू बठिंडा च एक भारतीय बहुत संघ दे और सांझे तौर पर सारिया जथेबंदियों वालों भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस जिहड़ा वो मनाया जाना है, जिस विच पांते जी, राहुल जी, प्रहलाद भाई चौहान, ज्ञानचंद गौतम, सत्यनारायण जटिया जी और भी जिहड़े भारतीय बहुत संघ के नेता है वो बठिंडा आउणगे। तो अज की यह मीटिंग बड़ी सफल रही है। तो इस मीटिंग दे विच पद अधिकारियों जिहड़े भी जिम्मेवार व्यक्ति से उन्होंने जिम्मेवारियां दित्तियां गईयां, और बठिंडा 20 नवंबर नूं पहुँचने लई सारे ही नेतावां नूं बेनती की गई। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी, मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने, ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो।
कितना कितनी असी अपने बाला करके शर्म फील करते हैं कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।